आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में राज्य और केंद्र की तमाम सारी योजनाएं चल रही थी। 303 से अधिक राज्य सरकार की योजनाएं जो जनहितकारी थी, आम नागरिक उससे लाभान्वित होता था, लेकिन आज उसमें से 137 योजनाएं बंद कर दी गई हैं और उसका कारण वहां पर कोई बताया नहीं जा रहा है। 36 जिले के 16,000 से अधिक गांव लगभग खाली होने की स्थिति में हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, खास करके अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, धार, ये सारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। जब हम लोगों ने पता किया कि क्या कारण है, तो उसमें मुख्य बात आई कि योजनाएं सारी बंद हो रही हैं। इतना ही नहीं, 1 रुपये चावल और 1 रुपये गेहूँ जो जिंदगी का आधार गरीबों के लिए बना है, वो सारी चीजें वहां पर बंद हो रही हैं। हमने और पता किया तो संबल योजना जो पिछली सरकार ने शुरू की थी, ये सारी योजनाएं राजनीति से ऊपर उठ कर थी, हर वर्ग के लिए थी, हर गरीब के लिए थी। इससे भी बड़ी बात है कि लाडली लक्ष्मी योजना जो पूरे भारतवर्ष के अनेक राज्यों ने स्वीकार किया और अंगीकार किया और उसको लागू किया, वह योजना भी लगभग अब बंद सी है। बच्चा जन्म लेता है, इससे भी एक भयावह स्थिति है, जो मां प्रसव करती है उसको 4,000 रुपये दिया जाता था गरीबों को, आज वो भी वहां पर बंद हो गया है। 12,000 केंद्र सरकार जो देती थी वह भी बंद हो गया है। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, मानवीय संवेदना, जो नारकी जिंदगी लोग जी रहे हैं, पीने का पानी नहीं, 24 घंटे बिजली देने वाला मध्य प्रदेश 15 साल बाद लगातार 13 साल से बिजली, गांव गांव कस्बे कस्बे में एक भी गांव बिना बिजली के नहीं था, आज 4 घंटे 8 घंटे बिजली वहां जा रही है। आखिर यह सब अचानक क्यों हो रहा है? इसलिए यह चिंता का विषय है। नारकी जिंदगी और गरीबों की आंसू पोंछने का काम सरकार का होता है, इसलिए मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी योजनाएं जो बंद हो रही हैं और जो पलायन हो रहा है, मध्य प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में कभी पलायन नहीं हुआ, यह अवसर हुआ है, यह बहुत ही निंदनीय और हम सबके लिए अच्छा नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए।